ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए सहारा थे, बहुत सारे लोगों के लिए उनकी बाप की तरह थे, बहुत सारे लोगों के लिए एक फरिश्ता थे, क्योंकि उनको गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो हमेशा उनके साथ नीचे बैठ के खाना खाया करते थे। अक्सर उनके दोस्त, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो बताते थे कि जब भी वो शूटिंग के लिए जाते, जब खाने का वक्त होता, तो बहुत सारे छोटे एक्टरों के साथ, जो छोटा मोटा रोल करने वाले हैं, कैमरामैन के साथ, चपरासी के साथ बैठ के जमीन के ऊपर खाना खाते थे। उनका यह कहना था कि मुझे जमीन के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि जमीन से ही आए हैं और जमीन में ही जाना है। मैं वैसे खाना भी जमीन पे खाता हूँ बैठ के, और मैं रात को सोता भी जमीन पर हूँ। जमीन से बहुत मोहब्बत है? जमीन से मुझे मोहब्बत है। ड्राइंग रूम में भी आप जमीन पर ही बैठे? यस, इसलिए कि मैं जमीन में जाने को ज्यादा तरजीह देता हूँ और मुझे जाना है। गरीबों के साथ उन्हें इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने घर के अंदर एक कमरा मुंतखब किया हुआ था, जहां पर वो लोगों के लिए महीने भर का राशन जमा करके रखते थे। उन्होंने बकायदा उनके ऊपर एक चिट्ठी के साथ टोकन बनाए हुए थे, जो बंदा टोकन लेके आएगा उसको एक महीने का राशन मिल जाएगा। इसी तरह आपने बहुत सारे जगहों पर मस्जिदें बनाई, स्टूडियो के अंदर एक मस्जिद बनाई, बहुत सारी डिफरेंट विलेजेस के अंदर जाके मस्जिदें बनाई, मस्जिदों की दीवारें बनाई। और एक और बात के हाजी एसन, जो कि उनके सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि जब भी हम गाड़ी से घर से बाहर निकलते, तो वो गाड़ी की डिक्की के अंदर बहुत सारे कंबल, चादरें, कपड़े सर्दियों के अंदर लेकर आया करते थे। और जो फुटपाथ के अंदर जो गरीब बैठे होते थे, मस्कीन बैठे होते थे, यकीन यतीम बैठे होते थे, उनकी मदद किया करते थे, उनको दिया करते थे। सर्दियों में डिग्गी में कंबल रख लेने, कोट रख लेने, कोई भी देखना मस्कीन गरीब पैदल चला जा रहा है, जिस पर वो सर्दी में ठिठर रहा है, किसी को कंबल दे दिया, किसी को कोट दे दिया, किसी को कोट और माय कंबल दे दिया, वो लोग दुआएं देते थे। बड़ा बड़ा प्यारा इंसान था। आपने कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ा था, तफसीर के साथ आपने कुरान पाक पढ़ा था, और नात पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। और शूटिंग के दौरान भी अपने कुलीग्स को इस्लाम की तबलीग करते रहते थे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते रहते। फलाहुम अजरुन खैरु ममनून, मैं तुम्हें इसकी फलाह भी दूंगा। इल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग मेरी जात पर ईमान लाएंगे, मेरे कुरान पर ईमान लाएंगे, मेरे नबियों पर ईमान लाएंगे, उनको मैं फलाहुम अजरुन, उनको मैं फलाह दूंगा, उसका अजर भी दूंगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बच्चियों की इसने शादियां करवाई, बहुत सारे लोगों के घर बनवाए। ये सिर्फ एक एक्टर ही नहीं था भाई, एक बहुत बड़ा इंसान था, जिसे आज तक वो लोग याद करते हैं। बहुत ही ज्यादा नेक और तहज्जुद पढ़ने वाले इंसान थे। अक्सर जहां भी जगह मिलती, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, हाजी ऐसे बताते हैं कि जब भी ये सड़क के ऊपर जाते, जगह मिलती, तो यूं वहां बैठ के तहज्जुद पढ़ लेते, और साथ मुझे भी ये जो है वो तौफीक मिल जाती कि मैं भी तहज्जुद पढ़ लूं। तो कुछ गरीब औरतों का खर्चा लगा सी, किसी ने मकान लेता, किसी की बच्ची की शादी कर दी, किसी ने 10-20 हज़ार लाख रुपया वैसे देता, वो लोग बहुत हार होए ने। असल तो उन्होंने मरिया सुल्तान रही, मगर सुल्तान ही वर्गा बंदा दोबारा पैदा नहीं होगा। लहुमा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्नी, ऐ अल्लाह, ऐ वहदहू ला शरीक, तुझे मोहब्बत है माफ करने के अमल से, उस मोहब्बत के सत्य में मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी तलब करता हूँ। या इलाहुल आलमीन।